तो आज हम समझेंगे कि हमारी रियासत कैसे बनी। सबसे पहले मुझे बताओ हम लोग कहाँ रहते हैं। महाराष्ट्र। हमारी रियासत अभी हम लोग कहाँ है? साकली में। साकली क्या है? ये गांव है ना, गांव है ना, गांव है ना। और हमारा जिला क्या है? जिला जिला तालुका जो है यावली, ठीक है। और जिला जो है जलगांव। तो अब हम क्या सीखेंगे, तालुका कैसे बनता है, जिला कैसे बनता है और रियासत कैसे बनती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में सामान है, कुछ रोटियां है, प्लेटें हैं और ये है ग्लासेस, ठीक है। हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, तो ये जो है एक गांव है, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, ये एक गांव है, ठीक है। हम इसको गांव समझेंगे। तो अब मैंने क्या किए, एक दो तीन चार, ये पांच, ये चार गांव लिए। क्या ये एक ही गांव है, एक गोटी एक गांव। तो मैंने कितने गांव लिए? चार। चार। अब जब गांव, चार गांव एक जगह मिल गए तो क्या बना इससे? तालुका, ठीक है। तो कुछ गांव मिलके क्या बनता है? तालुका बनता है। जैसे कि हमारा एक गांव है, सब बाजू के गांव है, सब गांव मिलके क्या बना? यावल तालुका। तो तालुका क्या होता है? गांव से बड़ा होता है। तो ये क्या है? ग्लास। ग्लास मगर इसको हम लोग क्या समझेंगे अभी? तालुका। तालुका, ठीक है। ये क्या है? चार गांव है ना, गोटियों को हमने गांव पकड़ा पर समझा है। तो ये कितने हैं? चार। चार गांव। ये क्या है? एक तालुका है, इसको हमने तालुका समझा, ठीक है। तो ये चार गांव मिलकर क्या बनाए? एक तालुका बना, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे तालुके बनाए, ठीक है। तो चार चार गांव से मिला के हम लोग ऐसे तालुके बनाएंगे, किसी में चार, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में पांच, किसी में छह, किसी में तीन और एक तीन। तो अभी कितने तालुके हो गए हमारे पास में? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। नौ तालुके हो गए ना। तो हर तालुके में अलग अलग गांव है, किसी में तीन है, किसी में चार है, किसी में पांच है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तालुकों से मिलकर क्या बनता है? जिला बनता है ना। जैसे हमारा यावल तालुका, यावल तालुके के बाद में क्या है? रावल तालुका है। इधर क्या है? हमारा भुसावल तालुका है। इधर क्या है? चोपड़ा तालुका है ना। तो ऐसे अलग अलग तालुकों से मिलकर क्या बनता है? जिला। हमारे जलगांव जिले में आते सारे तालुके, तो अभी बनेगा हमारा एक जिला। क्या है? हम इसको एक प्लेटों का समझेंगे, एक जिला। तो अब इसमें जो एक जिला है, तीन तालुकों से मिलकर एक जिला बना है, ठीक है। समझो फिर से एक बार, गोटिया क्या है? जिला। गोटिया गांव। गांव है ना। और एक कब क्या है? जिला। तालुका है। हाँ, तालुका है ना, कब? गांव से मिलके तालुका बनता है। तो कब क्या है? तालुका। और ये प्लेट क्या है? जिला। जिला। फिर से एक बार, ओके। तो ये गोटिया क्या है? गांव। और बहुत सारे गांव मिलके क्या बनता है? तालुका। तालुका बनता है। और तालुके मिलके क्या बनते हैं? जिला बनता है। जैसे कि ये एक जिला बना, ठीक है। अभी हम लोग अलग अलग जिला बना, ये एक और जिला बना, ये एक और जिला, ठीक है, और ये एक और जिला, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने चार जिले बने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो कितने जिले हमारे पास में? चार जिले, ठीक है। तो अब ये जो प्लेट है, हमने इसको क्या बनाया? जिला बनाया, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, अब जिलों से मिलकर क्या बनता है? रियासत बनती है। यानी हमारा जो महाराष्ट्र बना है, किससे मिलके बना हुआ है? जिलों से मिलके बना हुआ है। हमारा महाराष्ट्र एक रियासत है और वो जिलों से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या है? रियासत, ठीक है। सबसे बड़ा जो रहता है रियासत रहता है, ठीक है। तो अब रियासत में क्या आते हैं? बहुत सारे जिले आते हैं। इस तरीके से चार जिलों से मिलके एक रियासत बनी हुई है। समझ में आया? सबसे बड़ा क्या रहता है? रियासत यानी महाराष्ट्र। उसके बाद में क्या होता है? जिला। जिला, जिला यानी जलगांव, हमारा जिला, ठीक है। बहुत सारे जिले हमारे यहाँ पे, जलगांव है, धुलिया है, नासिक है, मुंबई है, पुणे है, नांदेड़ है, इस तरीके से अलग अलग जिले। अब जिले में क्या आता है? तालुका। तालुका, हमारा तालुका क्या है? यावल। तालुके का नाम क्या है? यावल ना, यावल। और तालुकों में क्या होता है? तालुकों में होते हैं गांव। चार गांव नहीं, ज्यादा भी होते, चार पांच दस बारह, बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोगों से मिसाल के लिए लिए हुए है ना, हर तालुके में बहुत सारे गांव होते हैं
और एक जिले में बहुत सारे तालुके होते हैं। अब बताओ तुम हमारे महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? अभी यहाँ तो हमने मिसाल के तौर पर चार लिए, बराबर। हमारे महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? पूरे 36 जिले हैं हमारे महाराष्ट्र में। कितने? 36। एक बार फिर से हम लोग रिविजन करते हैं। ये क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है? रियासत होती है। उसके बाद में जो रियासत से छोटा होता है वो क्या होता है? जिला। जिले से जो छोटा होता है वो क्या होता है? तालुका। और तालुका से जो छोटा होता है वो क्या होता है? गांव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है रियासत बनी हुई है। समझ में आ गया? जी।